हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस रेमेडी में जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी वो है शैम्पू। शैम्पू में क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बालों को लंबा घना करने की भी सारी खसूसियात इसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद आ जाता है लेमन। लेमन जो होता है बालों को हेयर फॉल से रोकता है, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑयल प्रोडक्शन रोकता है, बालों को बढ़ाने में मदद देता है। उसके बाद आ जाता है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो होता है खुश्क जड़ों को इम्प्रूव करता है, बालों में शाइन पैदा करता है और ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाता है हनी। हनी बालों को मॉइस्चराइज करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, मॉइस्चराइजेशन को बालों में लॉक करता है, बालों को सिल्की बनाता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाता है कोकोनट ऑयल जो डैंड्रफ को ट्रीट करता है, हेयर लॉस में मदद देता है, बालों को दो मुहे होने से बचाता है, रीग्रोथ होने में मदद करता है। फ्रेंड्स, अंडा जो होता है बालों को बढ़ने में मदद देता है, हेयर लॉस रोकता है, ड्राइनेस ब्रेकेज रोकता है, टूटे हुए बालों को फिर से बढ़ने में मदद देता है, बालों को ग्रोथ देता है। फ्रेंड्स, ऑनियन जो होता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बालों को नरिश्ड रखता है और ये भी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, अब इस मास्क को बनाते कैसे हैं, जैसे कि मेरे इंग्रेडिएंट्स तो आपको पहले से बता दिए हैं। ये शहद लिया है मैंने, इसमें मैंने अनियन और लेमन जूस के 1-1 टीस्पून डाले हैं। उसके बाद इसमें मैं अर्के गुलाब डालूंगी, ये मैं डालूंगी 1 और 2 टीस्पून के करीब। उसके बाद एक अंडा मैं इसमें डालूंगी, 1 उसके बाद इसमें मैं ये कोकोनट ऑयल के 2 टीस्पून्स यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं शैम्पू डालूंगी अकॉर्डिंग टू योर हेयर्स, आपके जितने लंबे बाल हैं आप उतना शैम्पू यूज़ करें। ये मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून्स जो है ना वो ले रही हूँ। अब हमने इसको ये मिक्स कर लिया है, मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब मैं इसको अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं अपनी जड़ों पे बालों पे बहुत अच्छे तरीके से इसको लगा रही हूँ और उसके साथ कॉम भी करती जाऊँगी ताकि ये जड़ों तक पहुँचे। फ्रेंड्स, ये मैंने इस पे लगा लिया है, अब उसको मैंने झूड़ा बांध दिया है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। लंबे घने और खूबसूरत बाल औरत की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करते हैं। काफ़ी सारे शायरों ने लंबे बालों पर न जाने कितनी गजल्स और अशार भी लिखे हैं। दौरे कदीम हो या आज का दौर, लेकिन खूबसूरत बाल, लंबे बाल औरत की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।